आज यूपी बोर्ड परीक्षा का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। अच्छे परसेंटेज लाकर अपनी मेहनत को साबित किया है और वो मेहनत रिजल्ट में दिखाई भी दी है। हमारे साथ एक ऐसी छात्र हैं जो मेहनती हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ने की बीच में कुछ बाधाएँ भी थीं। उन बाधाओं को पार कर आगे बढ़ आज हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। ये वो छात्र हैं जो मेहनती हैं, पढ़ना चाहते हैं आगे। इनसे पूरी बात करते हैं, किस तरह का पूरा माहौल रहा, कितनी मेहनत की और मेहनत का क्या परिणाम मिला है। बेटा, आपका नाम क्या है? मोहित माहौर। मोहित, मोहित कौन सी परीक्षा पास आपने की है और कितने परसेंट मिले? हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है 80% से। 80% मार्क्स आपके आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। कितनी मेहनत की थी, कितनी तैयारी की थी? सर, बहुत मेहनत की थी, पूरी साल लगातार करते रहते थे मेहनत। अच्छा, आज की बात करते हैं। आज रिजल्ट आपका आने वाला था, तो सुबह से क्या हलचल थी मन में, क्या आप सोच रहे थे? सुबह से बहुत एक्साइटेड था मैं, अभी तक खाना नहीं खाया है, एक्साइटेड था सुबह से। मतलब रिजल्ट आने की उत्सुकता इतनी थी कि आपने खाना नहीं खाया? हाँ, टेंशन थी सुबह से। लेकिन आपने जिस तरह की मेहनत की है, जो रंग लाइए 80% आपके आए हैं, तो आपको टेंशन तो नहीं होनी चाहिए? हाँ सर, अब नहीं है टेंशन ज़्यादा। अब नहीं, आप खुश हैं? अब खुश है। अच्छा मोहित, आपसे बात करते हैं, किस तरह का पूरा परिवार में माहौल रहता है, किस तरह से आपने तैयारी की और जो परीक्षा पास किए हैं उसके लिए क्या क्या परेशानियाँ थी जिनका सामना किया है? जी, मम्मी काम करते हैं स्कूल में ही, सर ने भी बहुत सपोर्ट किया है, पापा ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, मम्मी भी काम करती है, मम्मी सपोर्ट करती है बहुत। और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ज़्यादा? यस, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन पढ़ना चाहते हैं? यस सर। क्या करना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं? यस सर। मम्मी आपके स्कूल में जॉब करती हैं? यस सर। ये इनकी माता जी हैं, माँ हैं मोहित की, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? ममता माहौर। ममता जी, थोड़ा तेज बोलिएगा, आज तो खुशी का मौका है, बेटे ने आप हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। हाँ, ममता। कहाँ आप काम करती हैं और घर में कैसा माहौल है? घर में भी ऐसी माहौल है सर, मेरी वजह से बच्चे पढ़ रहे हैं, सर का वो है आशीर्वाद सर, और यहाँ काम करते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मोहित को पढ़ाना चाहती हैं आगे? हाँ सर। बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी मोहित ने? नहीं नहीं सर, पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। किस तरह से पढ़ा पा रही है, कितनी कोई परेशानी आती है? जिसको परेशानी आती है सर, सर से प्रॉब्लम करते हैं, सर करते हैं हमारी प्रॉब्लम, सर आपकी मदद करते हैं, सर मदद करते हैं सब चीज में। हाँ हाँ सर। वो इससे आपको क्या उम्मीद है आगे जाके? बस यही उम्मीद है कुछ बन जाए सर, कुछ बन जाए। क्या क्या सपने आपने देखे हैं मोहित को लेकर? बस यही सपने हैं सर, कि मेरा बच्चा कुछ कामयाब हो जाए। आज जिस तरह से मोहित ने हाईस्कूल की परीक्षा पास की, अच्छे नंबर आए हैं, आज कैसा लग रहा? आज अच्छा लग रहा है सर, इनकी मेहनत देख के। मैंने भी इसके साथ बहुत मेहनत करी, रात कर टूट कर पढ़ाई करता था सर, सो भी नहीं पाते थे हम इसके चक्कर में, बस नंबर अच्छे आ जाए। आपने भी साथ में मेहनत की है? हाँ सर। अब तो मेहनत रंग लाई? हाँ सर, अब तो मेहनत रंग लाई। आगे उम्मीद है कि मोहित आपके भविष्य के जो सपने आपने देखे काम आएंगे? हाँ सर, पूरी उम्मीद है। अध्यापक हैं साथ में हमारे मोहित के, अध्यापक हैं जिन्होंने मोहित को पूरी तरह से पढ़ने में मदद की है और उसकी सहायता कर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, और आज वो मेहनत रिजल्ट में रंग लाई है। मोहित ने 80% नंबर प्राप्त किए हाई स्कूल की परीक्षा में। सर, आपसे जानते हैं किस तरह का माहौल है और किस तरह से मोहित की आपको विचार आया किसी मदद करनी चाहिए? निश्चित रूप से आज माहौल बहुत खुशनुमा है, आज बच्चों के सपने पूरे हुए हैं। ये जो बच्चा है मोहित, इसकी मदर जो है वो मेरे यहाँ सेफ का के पद पर काम करती हैं। मुझे मालूम पड़ा कि ये परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, मैंने इस महिला को बहुत हिम्मत दी और मेरे प्रयास से ये बच्चा यहाँ पढ़ने लगा, और उसने भी अपनी परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए काफ़ी मेहनत करी। मुझे बहुत खुशी है, एक गरीब का बच्चा 80% नंबर से पास हो गया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करे और आगे भी पढ़ाई में जो भी दिक्कतें आएगी मैं इसका पूरा साथ दूँगा। जैसे आपने कहा पूरा साथ दूँगा, क्या नज़र आता है बच्चे में आपको, किस तरह से क्या नज़र आ रहा है, किस तरह से आगे भविष्य के लिए तैयारी कर सकते? देखिए, सपनों, इनकी आँखों में बहुत बड़े सपने होते हैं। जब आप किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाते हैं तो निश्चित आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जब इन गरीबों के सपने पूरे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्म है, वह पूरा हो गया, और निश्चित रूप से ये बच्चा आगे आगे बढ़ेगा और अपने सपने को पूरा करेगा।
जी देखिए हमारे साथ मोहित हैं जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, उनकी माँ हैं और अध्यापक हैं जिन्होंने उन्हें पढ़ने में और सहयोग करने में आगे मदद की है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि मोहित की जो सपने देखे हैं भविष्य को लेकर उनके माता पिता ने, उनके अध्यापक ने जो मदद की है, वो मोहित की मेहनत में आगे जाकर रंग लाए और जो सपने देखे हैं वो साकार हों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।